का जहां 8 दिसंबर को आह्वान किया गया, वहीं इस मामले में बाराबंकी पीछे नहीं रहा। बाराबंकी में किसानों द्वारा लगातार 2 तारीख से आज तक 570 धान से लदी ट्रॉलियों के साथ किसान धरना दे रहे हैं, पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई। भारत के किसानों द्वारा आज भारत बंदी को लेकर किसान रोड पर उतरे तथा अपनी समस्याएं बताई। किसानों की समस्याओं को लेकर बाराबंकी जिले के कई राजनीतिक पार्टियां व आम जनता साथ देने के लिए रोड पर उतरी। वहीं भारत बंद के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अरविंद चतुर्वेदी द्वारा भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया। दुकानदारों को दुकान खोलने हेतु सुरक्षा का आश्वासन दिया गया एवं व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। किसानों से लेकर समर्थकों का जब गुस्सा फूटा तो रोड पर आकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों से काफी नोकझोंक देखने को मिली, जहां पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए नजर आए। किसानों ने अपने अपने उदाहरणों में कोरोना काल में बिहार के चुनाव का भी जिक्र किया। बाराबंकी के प्रशासन की ओर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को नजरबंद किया गया। समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष आशीष सिंह आर्य ने किसान के समर्थन में उतरकर अपना विरोध जताया तथा महामहिम राज्यपाल को बाराबंकी के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। यहाँ दुकानदारों को आज जिलाधिकारी बाराबंकी और मैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी आश्वस्त करने के लिए आपके बीच आए हुए हैं कि आप स्वतंत्र होकर अपनी दुकानें खोलिए, किसी प्रकार की कोई रोकटोक नहीं है। अगर कोई आपके व्यवसाय में व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा पुलिस बल पूरे जनपद में लगा हुआ है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना व्यापार करें और डरने और दबने वाले नहीं। आज मेरी आवाज पे 5:30 बजे ही पूरी फोर्स आ जाती है, आज हमको नजर बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में हम लोग किसान विरोधी जो है सरकार के खिलाफ हम लोग उतरेंगे और आगे भी उतरने का काम करेंगे। और 5:30 बजे से ही हम लोग नजर बंद थे, अभी हमारी एडीएम साहब से बात हुई तो उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देके तत्काल बिल को वापस लिया जाए, और अगर बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग। बीमारी पूरे विश्व में रही है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो बीमारी का बहाना लेकर के सरकारें जो तमाम आंदोलन को कि आम आदमी की आवाज को दबाना चाह रही है, ये बीमारी का एक बहाना ले रही है। अभी पिछले दिनों में बिहार में चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां सरकार के लोगों ने करी और भी राजनीतिक दलों ने करी, वहां पे बीमारी नहीं थी, न सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पालन हुआ, ना तो वहां पर किसी प्रकार का कुछ हुआ, भीड़ भाड़ करके पूरी तरीके से चुनाव लड़ा गया। इसी दशा में मालूम होता है कि बीमारी का बहाना लेकर के जो लोकतंत्र की आवाज है उसको दबाना चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं। तानाशाही रवैया सरकार के पास में है, इसका परिणाम है जो आज ये आंदोलन सब जगह जगह हो रहे हैं। बाराबंकी से M4U News के लिए हमारे संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट।